देखिए, फेल तो अब दिखाई दी, फेल तो शुरू से ही थी। मोहल्ला क्लिनिकों की जैसी व्यवस्था थी, बार बार उस पर प्रश्न उठाया जाता था, लेकिन मीडिया है शायद ऊंचे स्तर पर इसको नहीं उठा पाई। केजरीवाल जी ने एडवर्टाइजमेंट का एक कोटा अलग ही पैसों का निकाल दिया है, उससे प्रभावित होती होगी शायद। मैं ये समझता हूँ कि हजारों जगह ऐसी हैं जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाए, और सैकड़ों उनमें से मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति ऐसी रही कि जहाँ पर सिर्फ रात में कुत्ते सोते थे, जहाँ पर दारूबाज रात में आके दारू पीते हैं, गाय और भैंस आकर खड़ी हो जाती हैंगी, उनके लिए आश्रय स्थल बन गए। बार बार इस बात को कहा गया, लेकिन कोरोना काल में तो ये सिद्ध कर दिया इन्होंने कि किस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने जो है वो दी है इस दिल्ली को। नालों के किनारे पे जो बना दिए इन्होंने, कहीं जगह मिली वहाँ बना दिए, जहाँ पे ना उनकी हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी है, वहाँ आदमी दिखाने के अलावा बीमार हो के आता है। तो ऐसी ऐसी व्यवस्था इन्होंने बनाई जो इस कोरोना काल में सिद्ध हो गई कि ये कुछ भी एक स्वास्थ्य के स्तर के लिए कर नहीं पाए। अगर आपने आम आदमी के लिए इतना ही सोचा होता, लोग अपने घर में बिना ऑक्सीजन की कमी से मर गए, बिना बेड के मर गए, तो क्या चार चार छः छः बेड इन मोहल्ला क्लिनिकों में नहीं डाल सकते थे, जहाँ पर नर्सें भी उपलब्ध थी, डॉक्टर्स भी उपलब्ध थे, कंसल्टेंट्स भी उपलब्ध थे, लेकिन उन्होंने नहीं निर्णय लिया ये, क्योंकि इनको पता था कि इनके मोहल्ला क्लिनिकों की पोल खुल जाएगी, कोई व्यवस्था वहाँ पर इन्होंने दे रखी है। आप दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ इनके मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था की, आज भी आप देखिए जाके, मुझे तो बहुत दिनों बाद पता लगा और सारे सिस्टम को ये पता है कि मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर्स रखे गए हैं वो प्रति पेशेंट उनको पेमेंट होती है, और पेशेंट 100 दिखाने आते हैं और उसमें जो डाटा एंट्री है वो 150-200 मरीजों तक कर दी जाती है। मैं प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने उन्हीं के डिपार्टमेंट से, उन्हीं के लोगों से जब बात की, दो चार लोगों से, तो उन्होंने ऐसा बताया। जाँच का विषय है, आप इसको जाँच करिए, और उनकी तनख्वाह जो सरकारी 10-10 साल से जो काम कर रहे हैं उन लोगों को 1.5-1.5 लाख रुपया, और ऐसे लोग अपनी तनख्वाह 2-2.5-2.5 लाख रुपए तक बना रहे हैं, और उसमें हिस्सा शायद मुझे लगता है स्वास्थ्य मंत्री तक जाता होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गलत बात हो रही है और उससे ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट को और स्वास्थ्य मंत्री तक को और CM तक को पता ना हो, पर ये बंदर बांट हो रही है, हिस्सा बट रहा है इसमें, आप इसको सीरियसली लीजिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीद करता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर एडवर्टाइजमेंट से ही सब कुछ हो सकता है तो एडवर्टाइजमेंट से ही केजरीवाल जी कोरोना रोक लेते। पिछले वर्ष तो उन्होंने कोरोना रोकने के बाद यही कहा, मैं और मेरी दिल्ली की जनता के भाई बहनों ने मिलकर कोरोना को जिस प्रकार से रोका है वैसे हम इस बार भी रोकेंगे। लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स और शब्दों से नहीं, व्यवस्थाओं से कोरोना रुकता है। अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ 10,000 बेड, 3,000-4,000 वेंटिलेटर बेड्स, अब से पहले एक महीने पहले जब कोरोना काल की विपत्ति आई थी इन्होंने तैयार कर लिए होते, हम एक एक व्यक्ति को बचा पाते। जो कैजुअल्टीज हुई हैं उसमें मात्र 5 या 10% कैजुअल्टीज होती, क्योंकि 70% लोग तो ऑक्सीजन की कमी से और बेड की कमी से एक्सपायर हो गए। तीसरी बात, जैसा आपने कहा, इनके परिवार से कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, अरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक विश्व स्तरीय वो है, इनके लोग, इनकी मिसिज, केजरीवाल जी की बीवी, ये सब मैक्स हॉस्पिटल, मेदांता, इनमें भर्ती होते हैं जब भी बीमार होते हैं। इनकी मिसिज ये खुद बेंगलोर इलाज लेने जाते हैं और ये कहते हैं हमारे सरकारी अस्पताल अच्छे हैं, हमारी सरकारी मोहल्ला क्लिनिक अच्छे हैं। बड़े हंसने की बात है, पर मैं क्या करूं, इस देश की, दिल्ली की जनता ये समझने में नाकाम हो रही है कि किस प्रकार ये झांसा देते हैं, किस प्रकार ये जाल बिछाते हैं हर बार मुफ्त का, 2-4 हज़ार रुपये के लिए अगले 5 साल को बर्बाद कर लेती है जनता। मैं समझता हूँ जनता अब जागरूक होगी, और ये तो जनता ने देखा है कि इनके परिवार के लोग, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, इनके बच्चे MET TPS ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं। अरे भाई, आप सरकार का जो बेस्ट स्कूल है आप उसमें पढ़ाइए, दिल्ली सरकार का, कहते हैं हम अलग से बोर्ड बनाएंगे। अरे भाई, अब अलग से बोर्ड क्या बना रहे हो आप, आपकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं ऑलरेडी, आपको बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं है। और स्वास्थ्य के लिए तो आप ही बता दिया, इनकी मिसेज बीमार हुई, इनका परिवार बीमार, सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर्ती हुए हैं। एक प्राइवेट अस्पताल जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, पैसे के साथ बनता है, वो तो इनसे बेहतर है, और 45-50 हज़ार करोड़ से ऊपर का जो राष्ट्र इनका हर साल का जो कोटा आता है हेल्थ के लिए और उसके लिए जो यूज़ करना होता है इनको, वो इनसे नहीं संभलता और उसके लिए स्वास्थ्य नहीं दे पाता।